और भाई कैसे हो? अरे हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक जो अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है, कब करने वाला है, क्या उसका नाम है और उसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप वीडियो को पहले ही लाइक कर देना और अपने साथी जन, अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी अवेयर रहें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जब ये कॉइन आए और इसको कब लेना है, कैसे लेना है, कब बेचना है, सब कुछ आपको अपडेट पहले ही इस चैनल पर मिल जाए। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फेसबुक अपना कॉइन लॉन्च करने वाला है, इसके बारे में बहुत एक अभी रिसेंटली आर्टिकल आया है जिसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा था, वो उसको मैंने अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा काट कूट के उसको एडिट करके एक ऐसी लैंग्वेज में लिख लिया है कि हम सब लोग उसको ईजिली समझ पाएँ। उसको आज मैं अभी ईजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ उस आर्टिकल को, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि वो क्या आर्टिकल है। यहाँ पर मैं एक हाईलाइटर ले लेता हूँ जिससे कि आप पढ़ सकें साथ साथ मेरे। तो फेसबुक डिसाइड्स टू लॉन्च इट्स न्यू ओन क्रिप्टो करेंसी DM। तो ये उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है। क्या नाम है? DM, विद DM एसोसिएशन इन 2021। उसके बाद क्या कह रहे हैं, तो जैसे कि ये थी हमारी हेडलाइन, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, द टर्म क्रिप्टो करेंसी इज क्रिएटिंग ह्यूज वेव्स इन द बिजनेस वर्ल्ड स्पेशली आफ्टर द एमरजेंस ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। तो COVID-19 की वजह से काफ़ी वेव्स, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला क्रिप्टो करेंसी में। और सब और वैसे तभी से ये यहाँ पे इंडिया में लीगल भी हुई, क्योंकि पिछले साल मार्च 2018 में ही इसके ऊपर से मार्च 2020 में ही क्रिप्टो करेंसी का बैन हटा था जो क्रिप्टो करेंसी पे लगा था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ वायरसेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्योंकि ये जब वायरस फैलने लगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सारा ओवरटेक कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो जब कोई भी ह्यूमन जैसा काम कोई मशीन करे उसके मुकाबले का ऑलमोस्ट, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसकी वजह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ विच इंक्रीज्ड द यूज़ ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस अमंग कंज्यूमर्स एंड बिजनेस लीडर्स। तो सारे जो भी लोग थे वो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस की तरफ मूव करने लगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करें, बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इथेरियम आर डोमिनेटिंग द क्रिप्टो करेंसी मार्केट ओवर द अदर डिजिटल करेंसीज। तो ऐसा तो हम सबको पता ही है, बिटकॉइन, इथेरियम टॉप टू हैं, डॉज कॉइन धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। तो आगे देखते हैं कि ये डोमिनेट करेगा या नहीं, बाकी काफ़ी हद तक इसने कर ही लिया है, बहुत नीचे से ये नंबर फोर पर पहुँच गया था। द सिलिकॉन वैली जायंट फेसबुक, तो सिलिकॉन वैली का जो बहुत ही बड़ी कंपनी है, सिलिकॉन वैली जगह का नाम है, उसकी जो सबसे बड़ी कंपनी है इसलिए उसको जायंट बोल रहे हैं। द सिलिकॉन वैली जायंट फेसबुक plans to launch its first ever digital currency project DM, ठीक है, in 2021। तो इसी साल उनका प्लान है लॉन्च करने का। कब वो एक डेट अनाउंस करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज फॉर्मली नोन एज लिब्रा इन 2019। तो उनका प्लान पहले भी लॉन्च करने का था बट किसी के कारणों की वजह से वो हो नहीं पाया। उस टाइम पे उस कॉइन का नाम था लिब्रा और वो कब लॉन्च कर रहे थे, 2019 में, बट रिसेंटली द नेम इज चेंज्ड टू DM, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब DM क्या है, DM इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग अ डे। तो DM का मतलब होता है एक दिन, अगर एक लैटिन वर्ड है इसका मतलब होता है अ डे। DM रिसेंटली लॉस्ट हाईटेक इन्वेस्टर्स लाइक वीज़ा, स्ट्राइप, मास्टर कार्ड, पेपैल, वोडाफोन, ईबे एंड मैनी मोर फ्रॉम इट्स इनिशियल अनवीलिंग। तो जब ये 2019 में लॉन्च होने वाला था तो काफ़ी इन्वेस्टर थे इसके पास, जैसे मास्टर कार्ड, पेपैल, वोडाफोन, ये सब थे। बट अब जब रिसेंटली अभी इन्होंने जब लॉन्च करने का सोचा है, बट उसने ये सारे इन्वेस्टर्स खो दिए हैं, इन सारे इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ बाहर निकाल लिया है DM से। दस DM has faced a drastic change in technology from a basic blockchain to the most updated and protected one to serve the user privacy policy effectively. तो ये काम की बात इतनी नहीं है। अब आपकी देखिए यहाँ पे, why Facebook is interested in investing in cryptocurrency? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि Facebook क्यों interested है इतना cryptocurrency में आने के लिए। तो the Silicon Valley giant, जैसे मैंने आपको बताया, is a professional in the सोशल नेटवर्किंग ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर आपसे भी कोई पूछता है कि यार फेसबुक क्यों आना चाह रहा है क्रिप्टो करेंसी में, आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि फेसबुक क्यों आना चाह रहा है, तो आप बोल सकते हैं ये रीज़न,
द सिलिकॉन वैली जायंट इज़ अ प्रोफेशनल इन द सोशल नेटवर्किंग ऑफ बिलियंस। तो जैसे कि आपको पता ही है, वो सोशल नेटवर्किंग में एकदम प्रोफेशनल है। एक तरह से फेसबुक ने स्टार्ट किया था कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट करें सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। फेसबुक ऑलरेडी ओन्स डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट नोन एज क्रेडिट्स। तो उनकी एक और ऑलरेडी डिजिटल करेंसी है जिसका नाम है क्रेडिट्स, टू मेक स्मूथ पेमेंट्स फॉर फेसबुक गेम्स, जो कि फेसबुक गेम्स के पेमेंट्स के लिए यूज होती है। इट हैज़ इट्स सिंसियर इंटरेस्ट इन द मार्केट ऑफ क्रिप्टो करेंसी व्हेन द सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जैसा आपको सबको पता ही होगा, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग मेंशन्ड दैट यूजर्स विल ट्रांसफर मनी जस्ट लाइक दे सेंड देयर फोटोज टू द पार्टी। द रिवाइज्ड डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट डीएम इज स्पेशली डिजाइंड फॉर यूजर्स टू ट्रांसफर मनी एट अ चीपर फी पॉसिबल। तो डीएम को लॉन्च करने का उनका मकसद ये है कि जो भी ट्रांसफर ऑफ मनी होता है वो और भी चीप होगा। जैसे कि इथेरियम का कुछ रेट है, टीआरएक्स का कुछ रेट है, बिटकॉइन का कुछ रेट है, तो जो फेसबुक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा उसमें जो ट्रांसफ़र फ़ी है वो बहुत ही कम होगा। तो ये उनका मकसद है डीएम करेंसी को लॉन्च करने का, विच प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट मोर पोटेंशियल यूजर्स टू द सोशल नेटवर्किंग साइट। तो ये है मकसद फेसबुक का अपना क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने का। तो आई होप आपको नॉलेजेबल लगी होगी वीडियो, और काफ़ी आपको जानने को मिला होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहें चीज़ों को लेके। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।